सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राइजिंग गहलोत के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सनी गहलोत। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी वीडियो के अंदर आई कार्ड को लगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल सही तरीके से। आपने कई वीडियो के अंदर देखा होगा, जब भी कोई जो यूट्यूबर है अपनी वीडियो पर ऐसे जो उंगली करता है, तो उस समय जो आई कार्ड है वो निकल कर सामने आ जाता है। उस आई कार्ड पर जो वीडियो उन्होंने लगाई हुई है वो शो होने लगती है। तो इस तरीके से आप भी बिल्कुल अपनी वीडियो के अंदर आई कार्ड को यूज कर सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपको अपने वीडियो के अंदर आई कार्ड को यूज करना है। तो अगर आप भी फेसबुक की स्टोरी को अचीव करना चाहते हैं, जो पुरानी फेसबुक की स्टोरी है, तो आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करोगे तो हो सकता है कि आपको आई कार्ड लगाने में कुछ मिस्टेक हो जाए, सही तरह से आपका आई कार्ड यूज न हो पाए, तो इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि अगली कोई भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप साइट है उसको अनेबल कर देना है। एंड देन यहाँ पर आपको अपने चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, चैनल वाले लोगो पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर योर चैनल का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस वाले पर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो वीडियो है वो यहाँ पर शो होने लगेगी। तो आपको किसी भी वीडियो के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको एडिट वीडियो का ऑप्शन मिल रहा है, एडिट वीडियो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलकर आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नया पेज हमारे सामने जो ओपन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट में आपको यहाँ पर एंड स्क्रीन और कार्ड का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो कार्ड वाले आप पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक वीडियो प्लेलिस्ट चैनल, जो ये तीन आपको सिलेक्शन दिए हुए हैं, इनमें से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। तो आप अगर वीडियो लगाना चाहते तो वीडियो पर आपको प्लस वाले आइकन पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको सभी वीडियो वो शो होने लगेगी। तो इसके बाद आपको एक वीडियो को चूज करना है जो आप लगाना चाहते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर आपको जब भी आप लगाना चाहते हैं जिस भी टाइमिंग पे, तो आपको यहाँ पर इस वाली लाइन को आपको आगे पीछे कर देना है। जब भी आपको अपने वीडियो के अंदर जो आई कार्ड को या आई बटन को चाहिए, तो उस हिसाब से आप यहां पर लगा सकते हैं। अगर आपको दो मिनट पच्चीस सेकंड पर अपनी आई कार्ड बटन, ये जो आई बटन है इसको लगाना चाहता हूं, तो हमारी जो ये लाइन है इसको 2:25 के ऊपर आपको कर देना है। इसके बाद यहां पर आपको सेव का ऑप्शन दिखेगा, सेव वाले पर आपको क्लिक करना है। तो जो आपका आई कार्ड है या आई बटन भी आप कह सकते हैं इसको, तो आपकी वीडियो के अंदर सेव हो चुका है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से अपनी वीडियो के अंदर आई कार्ड को यूज कर सकते हैं, और अपने जो पहले वीडियो बनाई हुई है उसके ऊपर भी आप व्यू ला सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है अपनी जो पुरानी वीडियो है उसके ऊपर व्यू लाने का। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।